बालों के लिए मुफीद कंडीशनर। तकरीबन 300 ग्राम तेल में 40 से 50 कतरे शहद मिला लें। ये लोशन तैयार हो जाएगा। इसे नरम हाथों से बालों की जड़ों में लगाइए। चंद घंटों बाद किसी शैम्पू से धो लें। ये बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर है। मेहंदी के पेस्ट में लीमू, दही, अंडा और कॉफी मिलाकर लगाइए। अगर बालों में खुश्की की शिकायत है तो मेहंदी में एक चाय का चम्मच खालस नारियल या जैतून का तेल मिलाकर लगाइए। कम से कम 45 मिनट बाद बाल धो लें। मेहंदी सर के जेल की क्लींजिंग भी करती है। इससे बाल मजबूत होते हैं। पतले बालों वाली खवातीन ये टोटका आजमाएं। इनके बालों की साफ हमवार, रेशमी और चमकदार हो जाएगी। बाल भी घने नजर आएंगे। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती पानी में कुछ देर के लिए उबाल लें और छान कर ठंडा कर लें। शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद इस पानी से सर धो लें। एक मग में पानी भरकर लीमू का रस मिला लें और सर धोने के बाद इसे बालों पर लगाएं। बालों की कुदरती चमक लौट आएगी। एलोवेरा जेल 2 चम्मच, कस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच, कोकोनट ऑयल 2 चम्मच। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाइए। इससे बालों की खुश्की खत्म होगी और बाल सिल्की होगा। एलोवेरा जेल 2 चम्मच, एवियान कैप्सूल 400 मिलीग्राम। एलोवेरा जेल में एवियान कैप्सूल अच्छी तरह मिक्स करें और इसे बालों की जड़ों में लगाएं। इससे बालों में चमक आएगी और बाल मजबूत होंगे।